In this lecture, I'll talk about knowledge-based agent. So, knowledge-based agent से पहले मैं बात करूँगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक एजेंट है और इट्स अ knowledge-based agent, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि जिस तरह से ह्यूमन से इंस्पायर है ना इंटेलिजेंस, हम कहते हैं कि ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, और हम कहते हैं कि उससे हमने एक मशीन बनानी है, एक एजेंट बनाना है जो कि ह्यूमन से इंस्पायर हो. तो हम बीइंग अ ह्यूमन अगर देखें तो हम किस तरह से अपने क्यूरीज़ को आंसर करते हैं, किस तरह से हम सीखते हैं. सो बेसिकली हम सीखते इस तरह से हैं कि हमारे हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, ठीक है, कुछ बातें, कुछ सेंटेंसेस, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करके, जिन को हम एज अ इनपुट यूज़ करते हैं और उससे हम कंक्लूजन्स को डिडक्ट करते हैं और जो है वो हम इंटेलिजेंट कहलाते हैं, हम यूज़फुल पर्सन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यूसीपी से जाना हो, लेट्स सपोज मुझे यूसीपी से जोहर टाउन या मुझे बरकत मार्केट जाना है, ठीक है. सो इसमें यहाँ पे जाने के लिए मैं ऑब्वियसली क्वेश्चन करूँगा खुद से कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ. कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी. लेट्स सपोज मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि आई कैन गो वाया कार, वाया बस, ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्ट जो है हमारी, वाया ऊबर और करीम या कोई भी इस तरह की सर्विस मैं यूज़ कर सकता हूँ. देन बीइंग अ पर्सन, मुझे जो है वो देखना है कि एफिशिएंट वे में किस तरह से जा सकता हूँ. तो आई लुक इनटू माय पॉकेट के हाउ मच मनी आई हैव, ठीक है. सो ये क्या है, एक सेंटेंस मेरे पास ये हो गया कि मुझे जाना कैसे है वाया कार, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, मुझे वाया कार जाना है, वाया बस जाना है, ठीक है, वाया ऊबर और एनीथिंग, किस तरह से मुझे वहां तक पहुंचना है. वाया कार जाने के लिए मुझे ये भी चीज़ सोचनी होगी कि क्या मेरे पास कार है या नहीं है, ठीक है. ऑब्वियसली इट्स अ ऑप्शन टू गो, बहुत सारे लोग जाते भी होंगे लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कार ओन करता हो, ठीक है. यहाँ से यू कैन डिड्यूस कि अगर कार से जाना है मुझे तो आई हैव अ सर्विस लाइक ऊबर और करीम, मेरे पास इस तरह की कुछ जो सर्विसेज हैं मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ. तो मेरा जो कार पे जाने वाला जो आप ये कह लें कि एक ऑब्जेक्टिव है वो ऊबर या करीम के थ्रू आई कैन फुलफिल, मैं उससे जा सकता हूँ. सो देन एक और चीज़ जो मैं सीखूँगा वो मैं क्या सीखूँगा कि हाँ जी, अब मैं ऊबर करीम से तो जा रहा हूँ, वॉट अबाउट द मनी थिंग, ठीक है, हाउ मच मनी आई हैव. अब अगर मुझे जो है जाना है ऊबर पे एंड आई हैव लाइक 20 रुपीज, तो ऑब्वियसली आई कांट अफोर्ड दैट थिंग. तो ये सारे का सारा जो ये प्रोसीजर है, ये बेसिकली मैं बीइंग अ एजेंट, बीइंग अ इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, अपने आप से क्वेश्चंस की सीरीज कर रहा हूँ. और इसमें मैं तीन चीज़ें जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा हूँ, टेल, आस्क एंड टेल, ठीक है जी. तो ये तीन का सीक्वेंस आपने याद रखना है कि टेल, आस्क एंड टेल. सो एक टेल जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, वो मैं परसेप्ट अपना बता रहा हूँ, परसेप्शन बता रहा हूँ अबाउट द सराउंडिंग्स, ठीक है, अबाउट द एनवायरनमेंट, कि मैं क्या परसीव कर रहा हूँ. मुझे एक डेस्टिनेशन से अगर दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, क्योंकि हम ये डेस्टिनेशंस पे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सके हैं, जय कर चुके हैं, तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया होगा. बट इसमें ये है कि वी हैव वन नोन वर्ड और हम बेस्ड अपॉन क्वेश्चनिंग, वे बेस्ड अपॉन लॉजिक एंड डिडक्शंस हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे. तो एक परसेप्ट मैंने बता दिया कि आई कैन गो वाया कार, वाया बस, ऊबर, करीम, मनी, ये कुछ मेरे पास थे, क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड में स्टोर थे, मेरा एक एनवायरनमेंट था. अब परसेप्ट मैंने क्या किया, मैंने ये सारी चीज़ें परसीव कर लिया, मैंने आस्क किया,
अब मैंने आस्क मैकेनिज्म लगाया। आस्क मैकेनिज्म से आप क्या करते हो, बेसिकली रीजन करते हो। यहाँ पे काम आता है रीजनिंग का। और रीजन में आप क्या करते हो, ये सारे जो क्वेश्चंस आपके पास माइंड में हैं आप इन सब को आंसर करते हो। लेट्स सपोज मैंने कहा जी हाँ मुझे जाना है, मुझे यूसीपी से बरकत मार्केट जाना है। सो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऑप्शंस को देखा, हाउ मच मनी आई हैव। यहाँ पे मैंने देखा कि आई हैव 20 रुपीज़, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मुझे अगर कार पे जाना है, ठीक है, तो एक और परसेप्ट मेरे पास आ गया जी कि कार पे जाने के लिए यू हैव एटलीस्ट 200 रुपीज़, लेकिन वाया बस मैं 20 रुपीज़ पे जा सकता हूँ। तो इस तरह से लॉजिक करके, तो ये इस आस्क ने मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे एक एक्शन रिटर्न कर देना है कि हाँ जी ये एक्शन है, आप ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। और एक्शन में क्या होगा, वो बताएगा कि भाई अगर आपके पास 20 रुपीज़ हैं तो यू कैन गो वाया बस, आप बस से जा सकते हैं। यू यू कांट अफोर्ड अ कार, यू कांट अफोर्ड अ ऊबर करीम, बट यस यू कैन अफोर्ड अ बस। तो ये क्या हुआ, एक इसने मुझे एक्शन रिटर्न कर दिया, एक इसने मुझे बता दी बात कि मैं ये काम इस तरह से कर सकता हूँ। और इस नॉलेज की बेसिस पे फिर मैं क्या करूँगा, अपने सिस्टम को टेल करूँगा, एक नया सेंटेंस इसमें ऐड करूँगा। और वो सेंटेंस क्या होगा कि इफ़ आई हैव 20 रुपीज़, अगर मेरे पास 20 रुपीज़ हैं तो मुझे क्या करना है, आई कैन अफोर्ड बस, मैं बस के थ्रू जा सकता हूँ। और बस का रूट होना इज ऑल्सो अ सेंटेंस, कि मुझे पता हो कि कहाँ से बस जो है वो चलेगी, मुझे कैसे वहां तक लेके जाएगी। इट्स ऑल्सो अ सेंटेंस। सो बेसिकली दिस इज द होल प्रोसेस एंड आई हैव अ नॉलेज बेस। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, हर सिनेरियो में कुछ ना कुछ आस्क टेल, ये जो एक साइकिल मैं चला रहा हूँ, बेसिकली इसमें सारा का सारा क्या है, मेरा एक नॉलेज बेस है जो कि मैं हर बारी हर डिसीजन मेकिंग पे हर एक स्टेप पे उसको देख के चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस नॉलेज बेस के होते हुए तो ऐसे ही चल पड़ूँ। आई नीड सम प्रॉपर रीजनिंग फॉर माई एवरी स्टेप। अब ये जो हमारा एजेंट है, ये जो हम एक आर्टिफिशियल एजेंट बनाने लगे हैं, इसका काम भी कुछ इसी तरह का है। इसके पास भी नॉलेज बेस होगा, इसके पास भी कुछ नॉलेज होगा जिससे वो डिड्यूस करके, उसमें से रीजन करके तो नई नई बातें सीखेगा। और बहुत थोड़ी सी बातों से हम क्या कर सकते हैं, इसे इनिशिएट कर सकते हैं। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट अ नॉलेज बेस एजेंट, कि नॉलेज बेस एजेंट क्या है, एक इसके पास नॉलेज है, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। और जो नॉलेज हम सेंटेंस बाय सेंटेंस सिखाते हैं, ये डिक्लेरेटिव मेथड है। दिस इज डिक्लेरेटिव मेथड ऑफ लर्निंग, ठीक है। सेंटेंस बाय सेंटेंस आप सीख रहे हो, और जो सेंटेंसेस पहले से पता हैं, जो डिराइव नहीं हुए, जैसे यहाँ पे मैंने डिराइव किया कि 20 रुपीज़ अगर मेरे पास हैं, इफ आई हैव 20 रुपीज़ तो मैं बस से जा सकता हूँ, ये एक डिराइव सेंटेंस है। तो डिराइव सेंटेंस नहीं, जो पहले से ही आपके पास इनिशियल जो है सेंटेंसेज है, जैसे मैं वाया कार जा सकता हूँ, बस जा सकता हूँ, उबर करीम, मनी का मैंने देखा कि आई हैव 20 रुपीज़, तो ये सारे के सारे वो हैं जो आपके पास प्री डिफाइंड एक सेंटेंसेस हैं। आप इसे एक्जियम कहते हो, ऑल ऑफ देन आर एक्जियम्स। सो ये कुछ एक बेसिक सा ओवरव्यू है नॉलेज बेस एजेंट का। और इसमें जो बात जो समझने वाली है, जो फोकस करने वाली है, दैट इज ऑल अबाउट नॉलेज। नॉलेज से जब हम बात करेंगे तो वी आर कंसर्न अबाउट सेंटेंसेस, और जब हम सेंटेंसेस की बात करेंगे तो नेक्स्ट थिंग विल बी सेंटेक्स, कि उस सेंटेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, आप किस तरह से सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करोगे, सेव करोगे, और फिर उसका सिमेंटिक, कि उन सेंटेंसेस का फिर मीनिंग क्या होगा। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो कि हम आगे चल के अपने कमिंग लेक्चर्स में सीखने वाले हैं कि व्हाट इज हाउ दिस नॉलेज बेस्ड एजेंट वर्क्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर ऑन नॉलेज बेस्ड एजेंट। सो इन अपकमिंग वीडियोस आप जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो यू कैन कोरिलेट दिस कॉन्सेप्ट।